हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। पर्स बनाने के लिए हमें 8.5 इंच चौड़ा और 14 इंच लंबा कपड़ा लेना है। ऐसे दो कपड़े हमें लेने हैं, तो इसे लंबाई में हम फोल्ड कर लेंगे और कॉर्नर से हमें हल्की गोलाई देनी है। सिर्फ एक कॉर्नर में गोलाई, हल्की सी गोलाई दे देंगे, ये पर्स के ऊपर का फ्लैप हो जाएगा। अब जो अंदर वाला कपड़ा है उसे भी सेम साइज में कटिंग कर लेंगे और हमें एक फोम का पीस लेना है। फोम की जगह आप बुकरम भी ले सकते हैं। दोनों कपड़ों को हमें इस तरह से रखना है और इसके ऊपर फोम रखकर सिलाई कर देंगे। नीचे वाला पार्ट खुला रहेगा, उसके में सिलाई नहीं करनी है, बस किनारे सिलाई करें। ये देखिए सिलाई हो गई है, दोनों कपड़े के नीचे फोम है। अब जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर हल्के हल्के हमें कट लगा लेने हैं। दोनों कपड़ों के बीच में इस तरह से हाथ डालकर हम इस पर्स को सीधा कर लेंगे। देखिए नीचे से ये खुला हुआ है तो इसे हमें बंद करना है। इसके लिए कपड़े को अंदर साइड से थोड़ा सा फोल्ड करना है दोनों साइड से, उसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये नीचे से सिल गया है, देखिए नीचे से भी ये बंद हो गया है। अब हमें इसका नाप देख लेना है फोल्ड करके कि कितना बड़ा हमें पॉकेट रखना है और फ्लैप कितना बड़ा रखना है, उस पर मार्किंग कर लेंगे। तो इतना बड़ा अगर हम फ्लैप रखते हैं तो यहाँ से मार्क कर लेंगे पॉकेट के लिए, और एक दूसरे पॉकेट के लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो इसे नाप लेती हूँ मैं, ये लगभग 5 इंच है, तो 5 इंच को सीधा मिला लेंगे। सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे 5 इंच पर, और ये लगभग 4.5 इंच है, तो इतनी बड़ी पॉकेट हमें तैयार करनी है। अभी हम बीच वाली पॉकेट बनाएंगे, तो इसके लिए तैयार पॉकेट हमें 4.5 इंच की चाहिए। तो कपड़ा मैंने 10 इंच का लिया है और चौड़ाई हमें बैग जितनी रखनी है 8.5 इंच ही रखनी है। बीच में हमें फोम रख लेना है, या इसकी जगह बुकरम का भी यूज कर सकते हैं। कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके ऊपर फोम रखेंगे और इसके किनारे किनारे तीन साइड से सिलाई कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लीजिए, जैसे पिछले पार्ट को हमने सीधा किया था उस तरीके से इसे सीधा करेंगे। और जो खुला हुआ पार्ट था उसे सिलाई करके मैंने इसे बंद कर लिया है। अब जहां हमने मार्क किया था वहां पर इसे रखना है और इसे तीन साइड से सिलेंगे। अगर आप दो पॉकेट चाहते हैं तो बीच से भी सिलाई करेंगे, तो इसमें छोटे छोटे दो पॉकेट बन सकते हैं। अब जो नीचे का भाग है उसे एक बार हम मार्क नाप लेंगे, तो ये लगभग 5 इंच इसकी ऊंचाई है, तो 5 इंच चौड़ा ही हमें पॉकेट बनाना है। तो कपड़े की चौड़ाई हमें 8.5 इंच ही लेनी है और इसकी लंबाई 10 इंच लेंगे। तो ऐसे दो पीस मैंने लिए हैं कपड़े के, और इसके ऊपर फोम रखा है। दोनों कपड़ों को एक साथ रखकर ऊपर से फोम रखेंगे और तीन साइड से सिलाई कर लेंगे। जो खुला हुआ भाग है उसे भी हमें सेम तरीके से सीधा कर लेना है। अब नीचे वाले खुले हुए भाग को भी हम कपड़े को अंदर फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए पॉकेट भी तैयार हो गई है। अब इसे हमें कैसे लगाना है, ये बनने के बाद लगभग 9 इंच की है और चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाती है, बैग के बराबर ही हमें रखना है। तो देखिए इसे हमें कहाँ लगाना है, एक साइड हमने राउंड में कटिंग की थी वो ऊपर का भाग है, वहाँ नहीं लगाना है, नीचे के पार्ट में इसे हमें सिलाई करना है। तो ये 10 इंच वाला भाग है लंबाई में, और जो चौड़ाई है वो 8 इंच वाली है। तो बैक के जो भी हमने पार्ट स्टिच किए हैं सभी की चौड़ाई 8 इंच ही होनी चाहिए। 8.5 इंच का कपड़ा और सिलने के बाद थोड़ा सा ये 8 इंच से कम हो जाता है। अब ऊपर से मार्क कर लेंगे 4.5 इंच पर, 4.5 इंच की पॉकेट बन रही है, तो इसे यहाँ से हमने मार्क कर लिया है। और किनारे से लगभग 1.5 इंच छोड़ते हुए साइड में इसकी सिलाई करेंगे। तो ऊपर से मैं मार्क कर ले रही हूँ कि 4.5 इंच है या नहीं, दोनों साइड से बराबर रखते हुए निशान लगाएंगे। अब देखिए इस तरह से हमें सिलाई करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद एक पॉकेट और बन गई है। तो ये देखिए इस तरह से बैग बनेगा। अब जो येलो वाला पार्ट है प्लेन वाला, उसे हमें एक साथ सिल लेना है।
दोनों को एक साथ सिलाई कर लेंगे और दूसरे साइड को भी हम सिलाई कर लेंगे। तो इसमें दो पॉकेट बन जाएंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। अब जो प्रिंटेड कपड़ा है उसे भी हम सिलेंगे। देखिए एक पॉकेट यहाँ, दूसरा छोटा पॉकेट, और ये अब सिलेंगे तो हम दो पॉकेट और बन जाएंगे। तो यहाँ से हमें सिलना है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरी गोलाई में दूसरे किनारे तक हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए सिलाई हो गई है और ये हमारा पर्स लगभग तैयार है। इस तरह से सिलाई की है। अब इसमें देखिए कितने सारे पॉकेट हो गए हैं, चार पॉकेट बन गए हैं। इसमें हम बटन लगाएंगे, तो इस तरह के छोटे वाले बटन मैं लगा रही हूँ। आप इसमें जो मैग्नेटिक बटन आता है वो भी एक लगा सकते हैं। यहाँ पे दो छोटे छोटे बटन मैं लगाऊंगी। तो देखिए कितने आसान तरीके से सुंदर सा पर्स बनकर तैयार हो गया है। इसमें चार पॉकेट है, ये पहला पॉकेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा पॉकेट है। तो देखिए कितनी जल्दी ये बैग बन गया है। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।